देखिए न्यूज 18 इंडिया पे खास बातचीत के लिए बजरंग पुनिया हमारे साथ हैं। बजरंग पुनिया, पहले आपको राजनीति में आने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। आपने एक नई पारी की शुरुआत की और कांग्रेस पार्टी ने किसान कांग्रेस में आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, कैसे देखते हैं इस जिम्मेदारी को? बाकी सवालों पर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो धन्यवाद, और बिल्कुल जितने भी मुझे जो जिम्मेदारी दी है, मैं पूरी हमारी कांग्रेस पार्टी का और हमारे नेता राहुल गांधी जी का धन्यवाद करता हूँ। और मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा कि भाई मैं अपने किसान भाइयों की, क्योंकि हम पहले भी आवाज़ उठाते थे, अब मेरे ऊपर और ज़्यादा जिम्मेवारी होगी, तो मैं कोशिश करूंगा सबको साथ लेके चले और मजबूती के साथ किसान भाइयों की आवाज़ हम उठाएं और उनको जो उनका हक है, क्योंकि मैं खुद किसान परिवार से हूं, जो उनका हक है उसको दिलाने में उनके साथ मजबूती के साथ खड़े रहें। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, आप लोग लगातार साथ में रहे हैं। विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही हैं जुलाना से, आपको एक बड़ा पद दिया गया है कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो आपने क्यों नहीं चुनाव लड़ा? देखिए, हम आपस में बैठ के बात करी कि भाई हम तीनों दोनों में से एक चुनाव लड़े, तो हमने जो डिसीजन लिया उस पर हम चल रहे हैं। और जो जिम्मेवारी मुझे दी गई है और विनेश को टिकट दी गई है, मुझे हम दोनों और पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ मिल के हम मजबूत करेंगे देश में कांग्रेस पार्टी को भी। और जो हमें पद मिले हैं, या चुनाव लड़ने का है या किसान मोर्चे का है, तो हम पूरी मजबूती के साथ वो चीज़ करेंगे। बजरंग जी, आप राजनीति में आए हैं, पहले भी आप पर लगातार हमला होता रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कटाक्ष किया है, अब बृजभूषण सिंह ने, जिनके खिलाफ आप लोग की लड़ाई थी, वो उन्होंने हमारे चैनल से बात भी किया और मीडिया में भी कहा है कि ये पूरी साजिश थी आपकी, हुडा परिवार की, भूपेंद्र सिंह हुडा, दीपेन हुडा, राहुल गांधी और कांग्रेस की। इन आरोपों को आप कैसे देखते हैं, किस तरह से खारिज करेंगे जब आप कांग्रेस में शामिल हो गए हैं? देखिए, उनका काम तो स्टार्टिंग से ही था, जब हम प्रोटेस्ट पे बैठे तब हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े थे। जब हम जनवरी में, पिछले साल जनवरी में 18 तारीख को हम बैठे थे, उस समय जब हमारे प्रोटेस्ट पे जो पार्टी आ रही थी, मैंने खुद उनको ये बोला था कि हम राजनीति नहीं कर रहे, आप प्लीज मंच पे ना आइए। हमारा मकसद सिर्फ एक था कि भाई हम एक आदमी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना कि हम बीजेपी के खिलाफ। लेकिन जो हमारे साथ जो घटनाएं घटी, उधर से हमें आश्वासन मिला ऊपर बीजेपी जो बड़े बड़े मिनिस्टर थे उनसे, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, हम दोबारा बैठे अप्रैल में। उस समय हमने सबको वेलकम किया जी, जी। तो हम 3 महीने 4 महीने जब, तो हमने किसी को नहीं चढ़ने दिया जी। और जब हम दोबारा बैठे, तो हमने जो बीजेपी के सांसद महिलाएं थी, सबको लेटर लिखा हमने कि आप आइए और अपनी बेटियों का, अपनी बहनों का साथ दीजिए, एक भी नहीं आया। उस समय हमने कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी, जो भी अलग पार्टियां थी, उनको तो हमने किसी को इनविटेशन नहीं भेजा, आपको तो इनविटेशन भेजा था जी। और आप उसको राजनीति बता रहे हैं। उस समय हमारे पास, जब वो मुश्किल समय था, जब कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी हमारे साथ खड़े थे, तो वो हम आदमी जब बुरा समय आता तब देखा जाता कि कौन अपना कौन पराया है। तो मुझे लगा कि भाई हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें, चाहे वो किसान की हो, चाहे वो जवान की हो, चाहे वो खिलाड़ियों की हो, चाहे किसी भी वर्ग में आप लगा लीजिए, वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमारे नेता राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। तो हमें लगा कि भाई हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के वो लड़ाई में उनका साथ दे और उनको और मजबूती दे। यानी आपका कहने के दुख में साथ थे, इसलिए उनकी पार्टी के साथ हैं? जी बिल्कुल, जो अपना वही होता जो बुरे समय पे साथ खड़ा होता है। जब हमने तो बोला कि भाई आप लोग आइए, तो वो आए नहीं। तो जो आरोप आपने, विनेश फोगाट ने, साक्षी मलिक ने पहले आरोप लगाए हैं बृजभूषण सिंह पे, वो आरोप आप मानते कि वो बिल्कुल, आज भी मानते कि बिल्कुल सही है, कोई उसमें झूठ बात नहीं है? ये तो कोर्ट में मामला है, माने न्यायालय में है, और हमें उम्मीद है कि जल्द ही इस पे न्याय होगा और उन बच्चियों को, उनको बहनों को न्याय मिलेगा। और अगर बीजेपी के कुछ लोगों के बयान आए हैं, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का आया है, अनिल विज जी का आया है, कि खिलाड़ी राजनीति कर रहे थे, तो मैं उन आपके माध्यम से मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई आप जो बृजभूषण ने किया, आप उसके सहमत हैं? अगर बृजभूषण ने जो किया है वो ठीक है, और आप उससे 100% आपको ये लगता है कि बृजभूषण ने कुछ गलत नहीं किया, इसके मतलब देश की जो बेटियाँ थी, वो 18-20 बेटियाँ खेल मंत्री के सामने जाके वो बोल रही कि हमारे साथ ये घटना हुई है, मैं एज ए नागरिक जी उनके साथ खड़ा था जी, मेरा जी, कोई उसमें पर्सनल स्वार्थ नहीं था। बिल्कुल, अगर आप में अगर इंसानियत थी तो आप उनके साथ आगे खड़े होते, आपने अपनी पार्टी का सांसद चुना, तो वो चीज़ें पूरे देश ने देखी। और वो अब बोल रहे कि भाई उस पर ये प्रोपगंडा चलाने से पहले भी, वो बोल रहे ना प्रोपगंडा ही है, ये चलाने से पहले भी उस पर 84 मुकदमे हैं जी।
क्योंकि ब्रजभूषण बोल रहा है ना कि ये तो प्रोपगंडा है, तो 84 मुकदमों से पहले भी वो तो खिलाड़ियों ने नहीं लगाए उस पर, तो चोरी से लेके जो बड़े बड़े देशद्रोह का जो भी मुकदमे वो सारे लगे, हत्या का, डकैती का, सब कुछ लगे हैं। बजरंग जी तीन घटना का वो जिक्र कर रहे हैं, एक जो आरोप विनेश फोगाट या बाकी खिलाड़ियों की तरफ से लगाया गया है, बता रहे एक में वो सर्बिया में थे, दो में वो लखनऊ में थे, और जिस घटना का जिक्र किया उसका वीडियोग्राफी भी होता है, सब सच सामने आएगा। देखिए वो तो माननीय न्यायालय के पास है सब कुछ, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा उस पर। वो ब्रजभूषण जी जो आप उसकी मीडिया की वो उठा के देख लीजिए, जो वो बोल रहे हैं आपको सबूत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो बोल रहे हैं ना कि मैंने एक लड़की को बुलाया, उसने ऐसे महसूस किया, तो और आपको क्या सबूत चाहिए? आपको सिर्फ इसलिए बचा जा रहा है क्योंकि आप बीजेपी के साथ आप सांसद थे और लगातार कई बार आप सांसद रहे हैं, आपकी बेटा विधायक है, लड़का फिर MP बन गया, तो वो चीज़ें आपको इसलिए बचाई जा रही है। अगर जिन नेताओं पे, जो विपक्ष के नेता हैं जिनके ऊपर आरोप सिद्ध भी नहीं हुए हैं, उनको जेल में डाल रखा है, और जो आदमी खुल के बोल रहा है, सबूत सारे न्यायपालिका के पास दिए जा रहे हैं लड़कियों को, और अब भी लड़कियों को डराया जा रहा है। अगर वो इतना ही सच होता तो सरकार ने जो टाइम दिया उस लड़कियों को डरा धमका भी उनको डराया जा रहा है जिन्होंने आरोप लगाए, आपका ये कहना है? बिल्कुल, अभी जब एक लड़की की जब स्टार्टिंग में गवाही स्टार्ट हुई, जब सुरक्षा हटा दी गई, तो ये क्या है, डराने का काम है? तो ये जो आपका प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, ब्रजभूषण सिंह अब आरोप लगा रहे, क्योंकि जब पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल नहीं मिला तो पूरा देश दुखी था, भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी कुछ सवाल नहीं खड़ा कर रहे थे, लेकिन अब जब राजनीति में आ गए तो ब्रजभूषण सिंह और दूसरे बीजेपी के नेता भी सवाल खड़े कर रहे हैं, तो क्या कहीं से भी कांग्रेस या हुडा परिवार के किसी सदस्य ने आपको नहीं उकसाया, भूपेंद्र सिंह हुडा हो या दीपेंद्र हुडा हो? सरकार के पास सारी एजेंसियाँ थी और सरकार ने सब कुछ खंगाल के हमें बात की थी। हम 40 दिन रोड पे बैठे थे, अगर हमारे में इतनी भी कमी होती, हमारे पीछे कोई आता तो सरकार हमें घसीट देती, जैसे बेटियों को घसीटा वैसे वो हमें पहले ही उठा के घसीट देती। हमारे पास सच्चाई की लड़ाई थी और आगे भी सच्चाई के साथ लड़ रहे हैं और मजबूती के साथ आगे इस लड़ाई को ख़त्म भी करेंगे, और देश में जो जितने भी जिनके साथ जिन जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, जवान हैं, जी पूछता हूँ, जी जी, जिनका शोषण हो रहा है उन सब के साथ खड़े हैं और मजबूती के साथ खड़े हैं। साक्षी मलिक ने कहा कि राजनीति में शामिल होने से उन लोग का फैसला, लेकिन इससे आंदोलन कमजोर पड़ता है, कैसे देखते हैं? नहीं, आंदोलन कोई कमजोर नहीं पड़ेगा साक्षी, देखो वो बिल्कुल सही बात है साक्षी की कि भाई वो सबका निजी फैसला होता है, हमेशा आपके साथ रहती है। बिल्कुल, आप भी साथ हैं जी, ये नहीं कि भाई वो लड़ाई अलग है, और जो लड़ाई हम रोड पे नहीं लड़ सकते उसको हम, क्योंकि हमने रोड पे लड़ा, हमें देखा कि भाई हमें सपोर्ट देशवासियों का मिल रहा है, लेकिन सरकार उसे ही सपोर्ट कर रही है, लेकिन जो लड़ाई हम रोड पे लड़ रहे थे उसको विधानसभा और लोकसभा में उठाएंगे और आंखों में आंखें डाल के उनसे सवाल करेंगे कि उस समय आप साथ क्यों नहीं आए। एक आरोप ब्रजभूषण सिंह ने और लगाया है कि एक भगवान ने विनेश फोगाट को सजा दी है, दूसरी लड़की का हक मारा है, एक दिन में दो दो कैटेगरी में वो लड़के दूसरे लड़की का हक मार के वहां गई, इस आरोप को कैसे देखते? किस लड़की का हक मारा है? वो जीत के गई है, मेरे को क्यों नहीं भेजा फिर? अगर इतना ही वो बोल रहे कि फिर मैं भी चला जाता। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा नियम है कि एक दिन में एक लड़की दो कैटेगरी में कुश्ती लड़े, दूसरे का हक मारे? उसने किसने नियम बना रखे? ये नियम जो थे, नियम बना रखे थे तो वो दिखाए क्यों नहीं, फिर उसको हटाया क्यों नहीं? आपका इस अध्यक्ष था संजय सिंह, तो ये सिर्फ TV पे लोगों को बहकाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो राजनीति का पुराना खिलाड़ी, उसको हर दाव पे। शिवानी कुमार का नाम लिया है कि कुश्ती जीती थी, उनका हक मार के जूनियर, आप कुश्ती देखिए विनेश ने उसको कितने बार हरा रखा है, और पॉइंट अगर आप उसको UWW में भेज दीजिए, अगर आपको ये है कि भाई हाँ UWW में भेज के उसका मंगा लीजिए भाई कितने पॉइंट किसके हैं, और पूरा देश आज सोशल मीडिया पे चल रहा है, पूरा देश देखता है कि भाई किसके साथ चीटिंग हुई है, तो विनेश उस कुश्ती को जीत के और ओलंपिक क्वालिफाई करने गई थी, ओलंपिक क्वालिफाई किया और उसके बाद ओलंपिक में, ओलंपिक के फाइनल में गई, वो हमारा दुर्भाग्य था कि हम सिल्वर मेडल नहीं ले पाए, और वो पूरे देश उस दिन दुखी था, लेकिन बीजेपी की IT सेल, ब्रजभूषण की IT सेल उस दिन जश्न मना रहे थे, और वो अपने आप को देशभक्त बता रहे कि हम देशभक्त हैं, हम देश के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने आप वहाँ अगर वो जुलाना चुनाव प्रचार करने जाते हैं वो हरियाणा जाते हैं तो किस तरह का असर होगा? अगर पार्टी ने परमिशन दी तो वो जाएंगे? सबका वेलकम है, कोई किसी को नहीं रोकता, सबका अधिकार है,
तो उनका भी वेलकम है हरियाणा में, करिए आप प्रचार, आपकी पार्टी आपको इजाज़त दे रही तो आप आइए। वो तो जनता ने तय करना ना, जनता किसके साथ, आरोपी के साथ है या खिलाड़ियों के साथ है जो देश की बेटियों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रही है उनके साथ है, सच्चाई के साथ है या जो झूठ बोल के जो ये कि भैया मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये नहीं किया और पूरा मतलब एक प्रोपगंडा खिलाड़ियों के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। तो आप ये बताइए, आपके शामिल होते ही, आप दोनों के कांग्रेस में शामिल होते ही बीजेपी के नेता लगातार आप लोग पे टूट पड़े हैं, क्या इस वक्त का इंतजार कर रहे थे या उन्हें अंदेशा था कि ये लोग ज्वाइन करेंगे ही फिर हमला करते हैं, चाहे ब्रिजभूषण सिंह हो या दूसरे बीजेपी के नेता हो? देखिए बीजेपी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा बीजेपी के नेताओं से, तब कहाँ थे जब बेटियाँ रोड पे बैठी थी, 40 दिन की सड़ाया जा रहा था बेटियों को, तब तो आप, हम तो मीडिया में बोल रहे थे कि आप आइए, तब तो कोई नहीं बोला। तो ये सिर्फ लोगों को समझ में आ चुका है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी संगठन हो, मजदूर है, किसान है, जवान है, व्यापारी है, जो भी संगठन है सब पे अत्याचार कर रहे हैं, अपनी मनमानी चला रहे हैं, इसलिए जनता ने मन बना लिया अब की बार इनको बाहर निकालना है। तो विनेश फोगाट का क्या देखते हैं प्रोस्पेक्ट वहां से जुलाना से? देखिए हमें पूरी उम्मीद है, जनता का पूरा प्यार है, आशीर्वाद है और जुलाना से मुझे लगता है कि विनेश भारी मतों से जीतेगी और हरियाणा में एक जुलाना नहीं पूरे हरियाणा में कांग्रेस सरकार बना रही है, बहुत अच्छे मार्जिन से जीत हो रही है। बजरंग जी, राजनीति में आना आसान होता है, बहुत लोग ये कहते हैं, बहुत लोगों को आपने देखा भी होगा, लेकिन उस सफर पे चलना बहुत मुश्किल होता है और खासकर खिलाड़ी लोगों के लिए, क्योंकि खिलाड़ी लोग तो पग पग पे स्ट्रगल देखते हैं और वो चाहते हैं कि हर चीज़ जेन्युइन तरीके से वो आगे बढ़ते अपनी लड़ाई में, चाहे आपने जहाँ तक ओलंपिक तक पहुँचे हों या विनेश फोगाट पहुँचे। आपको लगता है कि राजनीति का सफ़र आसान होगा? अभी तो अच्छा लगता है, लेकिन आपको लगता है कि आसान सफ़र होगा या यहाँ जो चुनौतियाँ होंगी आप उससे निपट लेंगे? देखिए जब रेसलिंग स्टार्ट करी तो हमें नहीं पता था कि ओलंपिक तक जाएंगे, और ये भी मान लीजिए जब राजनीति हम स्टार्ट करें तो हमारा काम है मेहनत करना जी, जहाँ तक जाएंगे वो लोगों का प्यार है और हमारी हमेशा कोशिश रहेगी कि हम राजनीति को सीखते भी रहे और जो हमारे लोग हैं उनकी मदद करते रहें, कैसे भी अगर हमें कोई भी जिम्मेवारी मिलती है उनकी हमेशा उन लोगों के सेवा में हाजिर मिलेंगे और हर चीज़ सीखने से आती है, माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता। तो हमारी कोशिश रहेगी हम ग्राउंड लेवल पर रह के मेहनत करें और कांग्रेस पार्टी को, हमारे लीडर राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को मजबूत करें। तो ब्रिजभूषण सिंह के आरोप ये भी लगा रहे हैं कि विनेश फोगाट ने हाईजैक कर लिया था पूरी कुश्ती को। हाईजैक करते तो आप कहाँ थे, हाईजैक तो आपने कर रखा है, आपका बेटा, आपका दामाद, आप खुद, आपके बिजनेस पार्टनर, जो जितने भी आपने स्टेटों में बिठा रखे, बहुत सारे तो जिन पे केस चल रहे हैं वो बिठा रखे हैं, कुश्ती हाईजैक विनेश ने कर लिया, बजरंग ने कर लिया। एक बात ये भी आती है कि हरियाणा और बाकी राज्यों की लड़ाई है जो कुश्ती लड़ते हैं उनके बीच में, तो उस राजनीति की वजह से उन पर निशाना साधा गया। एक चीज़ मुझे ये बताइए, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जो कुश्ती में आज तक मेडल आए हैं ओलंपिक मेडल, उनका उनकी चीज़ से मैं शुरुआत करता हूँ, किस स्टेट ने जीते हैं? जी हरियाणा। हरियाणा ने जीते हैं। हरियाणा का दूसरी चीज़, हरियाणा का अध्यक्ष कितने साल हो गए, आप 10 साल से 12 साल से तो आप ही थे, आपने क्या कर लिया हरियाणा का, कुछ बिगाड़ लिया? खिलाड़ी अपनी मेहनत से आया है यहाँ तक जी, हरियाणा अपनी मेहनत से, जो खिलाड़ी मेहनत करता है, चाहे वो हरियाणा का है चाहे वो यूपी का है, जो खिलाड़ी मेहनत करेगा चाहे वो देश में किसी भी कोने से आए, वो आगे बढ़ेगा, ना कि ब्रिजभूषण आगे बढ़ाएगा या कोई और अध्यक्ष बनेगा वो आगे, उनका काम होता है खिलाड़ियों का सपोर्ट करना, वो खिलाड़ियों को आगे नहीं बढ़ा सकते, वो खिलाड़ियों के साथ चीटिंग करके उनको पीछे ज़रूर धकेल सकते हैं, लेकिन आगे किसी को ये नहीं कि भाई आप ओलंपिक मेडल जीत लोगे, आप एक ट्रायल में चीटिंग करवा लोगे, ओलंपिक मेडल खिलाड़ी अपने दम से लेके आएगा। बिल्कुल, और वो कितना टफ था वो पेरिस ओलंपिक में हमें पता चला। जी बिल्कुल। ये बताइए कि वो ब्रिजभूषण सिंह ये भी करे कि जब 65 साल का आदमी कोई गलत कर रहा था तो उस समय क्यों नहीं आवाज उठाई, और बार बार इसी वजह को बताते हैं कि षड्यंत्र रचा गया कांग्रेस और हुडा परिवार की तरफ। आवाज तो 2014 में भी उठी थी, 2012 में भी उठी थी, लेकिन उसको दबा दिया गया क्योंकि अब आवाज़ उठाई, इतनी लड़कियों ने हिम्मत जुटा के आगे आए, जब क्या हो गया आपका, सबको पता था आप कितने पावरफुल हो, अब बेटियों ने हिम्मत जुटा के आगे, जब भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाई वो, तो जो हमारी जो और महिलाएं हैं और बेटियां हैं, बहनें हैं देश में, वो अगर उनके साथ कोई गलत होगा तो वो कैसे आगे आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई इतने बड़े बड़े खिलाड़ी वहाँ पे बैठ के रोक उनको घसीटा जा रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ ही कुछ नहीं हो तो हमारे साथ तो और बुरा होगा। तो उस टाइम 2014 में भी आवाज़ उठी थी और 2012 में भी आवाज़ उठी थी, लेकिन वो दबा दी गई, उस समय आवाज़ को दबा दिया गया था। जी बिल्कुल।
ये जब आप तो लगातार संपर्क में थे विनेश फोगाट के, तो जब विनेश फोगाट वहाँ सिल्वर मेडल को लेकर सवाल उठे, 100 ग्राम वेट बढ़ गया, तो उस समय सरकार ने मदद की? आपकी लगातार बातचीत चल रही होगी क्योंकि सरकार का इम्पोर्टेंट रोल था, पीटी उषा वहाँ मौजूद थी वो जी। देखिए उस पर विनेश ने कल भी बताया था कि भाई एक बार बैठ के लंबी चर्चा करेंगे और वो विनेश, मुझे लगता है कि विनेश बेहतर समझा पाएगी वो चीज़। तो अब आप कांग्रेस में हैं, किस तरह से इस लड़ाई को लड़ेंगे? आपने कहा कि वहाँ सड़क पे तो देख लिया, अब राजनीति के मंच पे इसलिए आए क्योंकि कांग्रेस ने सपोर्ट किया, कैसे इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे? मामला कोर्ट में भले हो लेकिन राजनीतिक तौर पे या कोर्ट में कैसे इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे, ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ या जो बीजेपी नेताओं की तरफ से आप लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि अब तो जवाब कांग्रेस के नेता के तौर पर भी आप लोग देंगे? देखिए हमारा वो जो प्रोटेस्ट वाला मुद्दा है वो भी चल रहा है कोर्ट में है, और हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा कि जो निर्णय जल्द ही उस पे निर्णय होगा और न्याय मिलेगा बेटियों को। और जो देश में जो चीज़ें चल रही हैं, अब हमारा, हम एक पार्टी के साथ जुड़े हैं, हमारे नेता जो लगातार प्रयास कर रहे हैं देश में बेहतर बनाने की, राहुल गांधी जी, हमारा काम है उनको मजबूत करना। अब हर जो शोषित वर्ग है उनके साथ हम न्याय करवाने की पूरी अपनी मेहनत करेंगे कि भी उनको न्याय मिले, उनके साथ ऐसी घटनाएं ना हो, वो हर लड़ाई हम लड़ने के लिए तैयार हैं। थोड़ा सा वक्त लूंगा क्योंकि विपक्ष की जो पार्टियां होती है, वो बीजेपी हो या दूसरी विपक्ष की पार्टियों, कांग्रेस के खिलाफ जब आपके साथ राहुल गांधी दिखते हैं, जब आपके साथ दीपेंद्र हुड्डा दिखते हैं, कांग्रेस के दूसरे नेता दिखते हैं, तो सामने वाले को संदेह और आशंका पैदा होती है कि साजिश इन्हीं लोगों की थी हमारे खिलाफ, तो उसमें कहीं ये लोग नहीं थे जिन पर ये आरोप लगा रहे हैं ब्रिजभूषण सिंह? कहीं भी नहीं थे ये लोग, साजिश कोई नहीं थी? ये वो तो मैंने आपको पहले बताया, अगर अगर वो चीज़ होती तो सरकार हमें घसीट देती है जी। अगर वो चीज़ होती, अब ऐसा चल रहा है कि भाई इनको झूठा कैसे करे, ये कैसे चले गए, जो खिलाड़ी बीजेपी में गए हैं वो ऐसे ही गए हैं, बीजेपी में जो खिलाड़ी गए हैं, जितने खिलाड़ी हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट भी हैं, ओलंपियन भी हैं, तो वो गए हैं खिलाड़ी, तो वो मतलब यही है कि भाई इधर कोई खिलाड़ी आएगा तो वो देशद्रोही हो जाएगा, वो ये कर रहा है, वो तो ये राजनीति कर रहे हैं, उस मुद्दे को इसके साथ मत जोड़िए, ब्रिजभूषण वाले मुद्दे को। यही दिक्कत थी उस समय भी कि बीजेपी ने ब्रिजभूषण के मुद्दे को खुद का मुद्दा बना लिया, इसलिए उसको राजनीति कर दिया। ये गलती हुई है बीजेपी से, आपको ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत मुद्दे को पार्टी का मुद्दा बना दिया, आप ये कहना चाहते हैं? सपोर्ट करके वही बना लिया, इसलिए हमें बोल रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, वो अपने लोगों के जो गलत करते हैं उनके साथ जम के खड़े होते हैं कि हम उनका साथ देंगे, तो वही चीज़ हुई है। अब अंतिम सवाल है और आपसे कहेंगे क्योंकि आप खिलाड़ी भी हैं और अब नेता भी बन गए हैं, और न्यूज़ 18 इंडिया सबको मंच, ब्रिजभूषण सिंह से भी हमारे संवाददाता ने बात की है और हमने भी आपसे बातचीत की है, न्यूज़ 18 इंडिया पे क्या कहेंगे अब आप एक नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं, दर्शकों से क्या कहेंगे और बतौर खिलाड़ी क्या कहेंगे? देखिए मैं सबसे पहले तो सभी देशवासियों को धन्यवाद दूंगा कि आपने कुश्ती में मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद दिया है, और मैं एक नई पारी की शुरुआत कर रहा हूं और आप लोगों की सेवा के लिए ही कर रहा हूं। आप लोगों को थोड़ा सा भी ये नहीं लगेगा बजरंग राजनीति में आगे बदल गया है, हमेशा जो चीज़ें मैं पहले उठाता आया था आगे भी वैसे ही उठाऊँगा, और जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ ज़ोरदार आवाज़ उठाऊँगा। आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना रहे मेरे साथ, और उम्मीद है कि आगे भी सब अच्छा ही होगा। तो विनेश से आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है क्योंकि आप लोग दोनों साथ में रहते हैं, तो राजनीति में आने से पहले दोनों की बातचीत हुई होगी, क्या चर्चाएं हुई थी संक्षेप में अगर बताओ, और किस तरह से आगे दोनों बढ़ेंगे? देखिए मैंने बताया कुछ चीज़ें होती है कैमरे पे नहीं बताई जाती, लेकिन मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे और साथ में, क्योंकि एकता में बल है। अब मैं विनेश नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, और हमारे अध्यक्ष हैं खड़गे जी हैं, केसी जी, पूरी भूपेंद्र जी हुड्डा हैं, दीपेंद्र हुड्डा हैं, शैलजा जी हैं, हरियाणा की जो आला कमान है पूरी, और हमारे सेंटर में जो बैठे लोग, उनको सबको एक साथ लेके आगे बढ़ेंगे, और उम्मीद है कि देश में बेहतर, सब कुछ बेहतर होगा, और जो चीज़ें जो हमारे किसान जवान जो रोड पे बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, खिलाड़ी कर रहे हैं, उनको सब अच्छा संदेश मिले और अच्छी चीज़ें उनको मिले। बजरंग भाई हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो बजरंग पुनिया हमारे साथ थे, तमाम सवालों का इन्होंने जवाब दिया और ब्रिजभूषण सिंह के सारे आरोपों को खारिज कर रहे हैं और राजनीतिक दांव के लिए तैयार हैं, चुनावी दंगल में तो कूद ही चुके हैं विनेश फोगाट, और खुद कांग्रेस पार्टी में एक महत्वपूर्ण विंग के महत्वपूर्ण पद पर बैठा दिए गए हैं बजरंग पुनिया। तो देखना होगा आने वाले वक्त में सियासी लड़ाई कैसी होगी और ब्रिजभूषण सिंह से इन लोगों की लड़ाई आने वाले वक्त में न्यायालय में किस तरह से आगे बढ़ेगी। नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, सोनीपत।